Today, we are celebrating Doctor Day in the memory of Dr. B.C. Roy. The theme of 2023 Doctor Day is Celebrating Resilience and Healing Hands. Means, कठिन समय के दौरान COVID-19 महामारी के दौरान डॉक्टर की प्रतिबद्धता को पहचानता है. You should become doctor with the ambition to help people. I chose doctor's profession not only because I loved it, although I loved it very much, but there are always possibilities in this profession that you keep on learning. Things, aspirations never end. आपकी चाहत, आपकी सीखने की तमन्ना कभी खत्म नहीं होती. You keep on learning throughout your life and you keep on serving the humanity as long as you are fit. This is the only profession in which you can do it. Good morning. 1st July is being observed as Doctor's Day. Why one should become a doctor or why one should choose this profession? If somebody wants to just join the elite group of doctors, I'll say don't join this profession. This profession is to serve the people. This profession is basically for serving the people. Your helping hand, your healing hand will decrease the suffering of somebody else. This should be the main reason why one should join this profession. हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन. देखिए, हेल्थ जो है वो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर हेल्थ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो एक डॉक्टर जो है वो लोगों को तबीयत ठीक करने में, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने में मदद करता है. इज्जत जो है वो पेशेंट डॉक्टर को देता है, और जो डॉक्टर को खुशी मिलती है एक पेशेंट को ठीक करके, और एक सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं. तो डॉक्टर बनिए और लोगों की मदद करिए. 1st July, World's Doctors Day पे, I would wish all my doctors colleague a happy and healthy life for them. इस साल की जो थीम है, इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं और क्या डॉक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए. A doctor should always be a helping hand, दूसरों की मदद करने के लिए. जैसा कि कोरोना काल में देखा कि पूरी दुनिया रुक गई थी, बस एक ही प्रोफेशन था जिसने 24 घंटे काम की थी, वो थी डॉक्टर प्रोफेशन. सेकंड, आप में क्या एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करती है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एवरी डॉक्टर शुड पजेस इज टू बी हम्बल. आपके पास आया हुआ मरीज किसी तकलीफ में है, दिक्कत में है, पेन में है, इसीलिए थोड़ा सा समय दीजिए डॉक्टर को, और उसी तरह से आप उस पेशेंट के बारे में सोचिए कि वो कितनी तकलीफ में है. इससे पेशेंट आधा अपने आप ही ठीक हो जाता है. थैंक यू. डॉक्टर प्रोफेशन क्यों चुनना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है. तो कोई भी मरीज हमारे पास आता है, या तो वो मरणासन्न स्थिति में आता है या फिर बहुत सारी परेशानी लेके आता है. अगर हम सारी परेशानियों को रिसॉल्व कर रहे हैं और उसको एकदम डेड कंडीशन से लाइव कंडीशन में ला रहे हैं, तो ये बहुत ही किसी डॉक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी, और डॉक्टर क्या किसी भी इंसान के लिए खुशी से ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती. तो इतनी इज्जत मिलती है, और जो पेशेंट ठीक होके जाता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, तो डॉक्टर को भी अच्छा लगता है. तो हमारा फोकस सेवा करना होना चाहिए, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और या फिर जो आजकल मेडिकल नेगलिजेंस होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए. नमस्ते, मैं आशा लता, यूनाइटेड मेडिसिन से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ. आज 1st जुलाई डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं. डॉक्टर्स का एक नोबल प्रोफेशन है, तो एक कहा जाता है नर्सेस बैकबोन है तो डॉक्टर्स हार्ट है. तो बिना डॉक्टर का कोई भी हॉस्पिटल चलना मुश्किल है. मैं सभी डॉक्टर्स को यूनाइटेड की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहता हूँ. थैंक यू.